यहाँ पे जो स्कूटी है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था भाई। 300 cc की है, मॉन्स्टर लग रही है आगे से, देखने में लग रहा है कि भाई चलाने में कैसी होगी। क्वेश्चन है कि बबर व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा? क्यों जी? स्वागत है आप सबका मेरे एक और अच्छे से मस्त प्यारे से व्लॉग में। भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई सीधा गाड़ी से। एक्चुअली में सीन क्या है, अभी हम जा रहे हैं भाई कहाँ पे, बैनली की तरफ से हमें इनवाइट आया है, क्योंकि बैनली की जो एक स्कूटी लॉन्च हो रही है, और सबसे मेन चीज पता क्या है, वो स्कूटी भाई 300 cc की है, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेकर। तो वहां पे जाएंगे आज, देखेंगे क्या सीन है, कैसी स्कूटी है कैसी नहीं। प्लान बना तो ले लेंगे यार, क्या बोलते हो, है ना, अच्छी होनी चाहिए। अगर 300 cc की है, मैं वही सोच रहा हूँ भाई 300 cc की स्कूटी कैसी होगी, तो वो जाके वहीं पे पता चलेगा। टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा कैसा है कैसा नहीं, तो अभी बाकी सब वो बाहर है। तो अभी करते हैं गाड़ी स्टार्ट, निकलते हैं यहाँ से और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो बिल्कुल भी व्लॉग मिस मत करना मेरे साथ, तुम भी देखो भाई क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो स्कूटी है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था भाई। 300 cc की है, मॉन्स्टर लग रही है आगे से, देखने में ही लग रहा है कि भाई चलाने में कैसी होगी। फिलहाल अभी इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं हो सकती, जैसे ही ये शोरूम पहुंचेंगे वहाँ पे मैं टेस्ट ड्राइव लूँगा इसकी, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि प्रॉपर व्लॉग बना के भाई इसमें क्या खासियत है क्या नहीं। फिलहाल भैया से पूछते हैं, भैया क्या सीन है भाई स्कूटी का, मुझे थोड़ा बहुत बता दो यार मेरी ऑडियंस को। सबसे बड़ी बात है भैया थोड़ा सा जोर से, बुलंद आवाज से, ठीक है। 300 cc बुलंद आवाज से, 300 cc में आपको बाइकें मिल जाती है, स्कूटी इनको हम स्कूटी बोलते हैं। ओके, अभी कीवी ने, बेनेली ने कीवी अपना लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी इनका ही है ब्रांड है, और इसका आपको चलाने में बहुत कंफर्टेबल बाइक है, और पावर भी अच्छी मिल जाती है आपको इसमें। 18.7 का आपको BHP मिल जाएगा, उसका आरपी अब आपको 6500 का मिल जाता है, तो सबसे बड़ी बात ये। उसके बाद आपको टॉर्क 22 का मिल जाता है, तो टॉर्क भी बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। भाई प्राइस क्या है इसका? प्राइस इसका 299 शोरूम प्राइस, 299 बेसिक जो हमारा 299 से स्टार्ट। ओके ओके ओके, सेम प्राइस है इसका भी 299 से स्टार्टिंग प्राइस। इनमें फर्क क्या है? ये तो टूरर में आ गई ना, ये दोनों टूरन में ही है बेसिकली। okay, okay. दोनों टूरन में आती है, बस सेम प्राइस है इसका भी। इसका भी सेम प्राइस रहेगा, कलर ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है। okay. ये कोई इसका स्पेशल फीचर जो इसमें आया हो स्कूटी में, मतलब क्या खासियत है ज्यादा, मतलब मैं कीलेस, ये आपको कीलेस में आ रही है। ओके भाई साहब, तुम देख सकते हो ये स्कूटी कीलेस है भाई, क्या बोलते हैं कीलेस है, हम यहीं से इसका सारा कुछ फीचर यहीं पे मिलता है। ओके, यहीं से सब कुछ कंट्रोल होगा। फ्यूल का सिस्टम आपको यहाँ पे मिल रहा है इसमें, ठीक है, ये आपको यहाँ से ऑन करनी है, ये आपका ऑन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इसका पावर भी ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको हाइड्रोलिक का मिल रहा है यहाँ पे, टेलीस्कोपिक मिल रहा है, और रियर में आपको हाइड्रोलिक का मिल रहा है, और साउंड भी इसका ठीक रहेगा, तो पावर के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है। आप सीट देखें इसका, इसका सीट हाइट भी ठीक है भाई, ये देखो सीट कितनी कंफर्टेबल है। जो हमारे जैसे बाइकर हैं ना बेचारे, जो टूर वगैरह लगाते हैं, जिनको कंफर्टेबल बाइक चाहिए, वो एक नज़र इस पर भी मार के देख सकते हैं, देख सकते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं। बहुत ही बेस्ट स्कूटी है, मतलब कि मुझे देख कर ऐसा लग रहा है कि यार अगर मेरे पास अभी पैसे होते ना, मैंने बुक करा भी नहीं गई, आपको झूठ बोल रहा है, सोचेंगे बुक। तो भाई दोनों स्कूटियाँ काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, क्या बताऊँ तुम्हें, बट मैं तुम्हें अपने लिए बताऊँ तो ये वाइट वाली मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी है, छोटी सी प्यारी सी 300 cc की है भाई, क्या बताऊँ। तो फिलहाल अभी देखते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं, तो व्लॉग में बने रहो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, क्या जा रहा है जबरदस्ती इधर, किसियाँ कर रहे हो आपस में? कौन सी भाई, ये ऐसा बंदा नहीं, मेरी लाइट वाली कैमरा मेरे पास नहीं, यार ये करना नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे दोस्त भी नहीं होने चाहिए दुनिया में जो कि आपके ऐसी चीजें रख लेते हैं बस फिर बाद में ब्लैक नहीं करना। मेरे पास भी पड़ी हुई है, ठीक है, मेरे पास भी है। मगाम्बो खुश हुआ, चैनल सब्सक्राइब मरवाना है या नहीं मरवाना, ये बता। गाइस हमारे राही भैया को जाके सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से करो यार, ना टाइम नहीं है, हम निकलते हैं, ये इनका व्लॉग जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, और ये पहला बंदा यही दिखेगा आपको, उसमें पहला व्लॉग इनका मेरे साथ है, तो फटाफट पहले जाके भाई को वो सब्सक्राइब कर दो राही व्लॉग्स, ठीक। ओके, तो गाइस अभी अफू को वो गिफ्ट मिलने लगा, इसने स्कूटी बुक कराई है इसीलिए। थैंक यू, फोटो ले लो फोटो। अफू को पता नहीं क्या हो गया, ये हमेशा लेट हो रहा होता है, चलो
तो कल लेट हो चुके थे तो व्लॉग भी एडिट नहीं किया, व्लॉग भी नहीं डाला, उसके लिए सॉरी। जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ ना कि डेली व्लॉग करने की, उतना मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्या बताऊँ मैं तुम्हें, लेट शूट करता हूँ, लेट हो जाता है, फिर मैं एडिट ही नहीं करता। तो अभी तो आज मेरे पास टाइम है भाई, तो अभी मैं ये चीज़ें तुम देख सकते हो, ये जो लद्दाख गए थे ना भाई, तो ये पूरी ख़राब हो रखी है, इसको कंपाउंड करवाऊंगा, पूरी बाइक को वॉश कराऊंगा अच्छे से, इसको चमकाऊंगा, क्योंकि जब तक ये अच्छी नहीं ना मेरे को लगती, तब तक मेरे को ना चलाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता, और फिर मैं गाड़ी में निकल जाता हूं। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूं। तो अभी चलते हैं, बाइक वॉश कराते हैं और इब्रार से मिलते हैं। तो काफ़ी सारे बाइक कमेंट कर रहे थे भाई इब्रार भाई का है, इब्रार भाई का है, तो इब्रार से भी मिलवाता हूँ मैं तुम्हें आज। तो चलो चलते हैं, घर से निकलते हैं, ठीक है। तो आज अपने जम्मू में मौसम इतना ज़्यादा सेक्सी और प्यारा है ना भाई, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, हवा चल रही है वो भी ठंडी वाली। लेंगे हम लेफ्ट भाई, तो पहुँच जाएंगे भाई सीधा इब्रार के पास, इब्रार को मिलेंगे, उसके बाद मुझे अपनी बाइक चेक करवानी है, क्योंकि ये सिक्स गियर में और न्यूट्रल दिखा रही है कि अपने बब्बर ब्लॉक की गली। आज मैं बब्बर से काफ़ी देर के बाद मिल रहा हूँ, हाँ एक दिन मिला था बट दो मिनट के लिए बस, फिर मैं निकल गया था तो टाइम नहीं मिलता, ये भद्रवाह वाली साइड रहता है ज़्यादातर, जम्मू आता ही नहीं है, तो अभी जम्मू आया तो मिल लेते हैं भाई। देख रहे हो ये वही गेट है भाई जहाँ से हम व्लॉग स्टार्ट करते थे और व्लॉग एंड करते थे, क्या दिन थे वो और क्या मज़ा था वो। अभी ना अंदर से वो आने वाला है, पहलवान होता है ना जो बॉडी बिल्डर, सर आइए बाहर, सर सर बंदा यार मजाक कर रहा हूँ, कैसे है सर? बढ़िया। मेरी ऑडियंस का एक क्वेश्चन है कि बब्बर व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा गाइस, व्लॉग इसको पूछो, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा, क्यों नहीं डाल रहा व्लॉग? पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, जम्मू आ गया, थोड़े दिन बाद घर जाऊंगा गाइस, इसका एक्सीडेंट हुआ था, अब ये ठीक है, अब ये भद्रवाह जा रहा है, फिर डेली व्लॉग मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जाके बब्बर व्लॉग को सब्सक्राइब करो। तो फाइन गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं वापस हाईवे पे, तो अभी पहले सबसे पहले मैं करवाऊंगा बाइक वॉश। ऑलराइट गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई बाइक वॉश करवाने, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं भाई हमारे पास वाइट का कंपाउंड नहीं है, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि अलग अलग कंपाउंड होते हैं कि क्या है क्या नहीं, बट फिर भी वॉश करवा लेते हैं और उसके बाद ये सब बाहर से करवा लेंगे। और एक छोटी सी चीज़ और करवाने वाला हूँ, अगर देखते हैं टाइम मिला तो वो सब करवा लूँगा मैं, तो अभी वॉश होती है तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तब तक भाई बैठते हैं अंदर, हवा लेते हैं, क्या बोलते हो? ओ भाई, और यहाँ पे देखो हमारे साथ कौन है आज, भाई साहब गुड़िया, गुड़िया 2.0। तो गाइस ये बंदा एक साल के बाद मेरे को मिला और एक साल के बाद तुम्हें वीडियो में देख रहा है, क्या बोलते हो? कहाँ था, कहाँ गया था, कहाँ भाग गया था? दुबई गया था भाई, देख लो बड़े लोग भाई। तो ऑलराइट गाइस, अपनी बाइक हो चुकी है भाई साहब वॉश, आज मैं खुद भी नहाया हूँ और बाइक को भी वॉश करवा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हमारे छोटू पोटू बाइक वॉश कर रहे हैं, चमका दी, वाह वाह वाह, अब जाके ना अच्छी लग रही है, अब चलाऊंगा भाई मजे से, क्या बोलते हो? सब कुछ अच्छे से है बट ये चीज़ें साफ़ नहीं हुई है भाई, थोड़ी सी होगी, मुझे लगता है एक दो बार और वॉश करवाऊंगा तो फिर होंगे, ऐसे नहीं होंगे, बट कंपाउंड इसको करवाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, वरना कंपाउंड के बिना तो ये नहीं होने वाली भाई। तो फाइन गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई दोबारा से आनंद भाई के पास, जो ये न्यूट्रल वाला सीन है ये चेक करवाता हूं भाई, क्या मसला है इसका क्या नहीं, तो वो चेक करवा के पता चलेगा भाई, सिक्स गियर में भी चल रही होती है ना, तो फिर भी भाई न्यूट्रल दिखा रही है, पता नहीं क्या सीन है, गियर में होती है फिर भी न्यूट्रल दिखा रही है उस दिन के बाद यार, गियर में बाइक है फिर भी न्यूट्रल, हाँ ये देख कोई भी डाल, छमा डाल पाँचवा डाल न्यूट्रल दिखा रही है, दिखा तो रही है गियर भाई, ये देख, अच्छा सेंसर लाइट चल रही है, हाँ कुछ भी कर फिर भी दिख रही है। सो फाइन गाइस, अभी करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, तो चलते हैं भाई सीधा घर, उम्मीद करता हूँ कि यार तुम सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना। बस ठीक है, आप बताओ ठीक हो, हेलमेट कहाँ है, हेलमेट आ जाओ, आ जाओ आगे आगे, आराम से आराम से भाई, अभी घर जा रहे थे, अपने सब्सक्राइबर मिल गए, तो दो मिनट यहाँ इनके पास रुकते हैं तो फिर चलते हैं भाई 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 भाई, आ जाओ आ जाओ जल्दी, लेट हो रहा हूँ यार। थैंक यू मेरी जान, आराम से आना ठीक है, बाय बाय, लव यू लव यू।
चलो भाई चलते हैं घर। तो व्लॉग को भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर स्किप करके देखा तो दोबारा से वापस जाओ। व्लॉग को ज्यादा ज्यादा प्यार करो, कमेंट कर दिया करो कि कैसा लगा कैसा नहीं, फिर मैं आगे उसी हिसाब के व्लॉग लाया करूंगा। ऐसे पता नहीं चलता कैसे व्लॉग चाहिए कैसे नहीं, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो बाय बाय, कल मिलता हूँ एक अच्छी सी मस्ती प्यारी सी राइड लेके, प्यारा सा व्लॉग लेके। तो दो चार प्लान और भी थे भाई, वो ना डिले हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, हो ही जाने, बट कसम से पक्का अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले टाइम में। और मेरा ट्रिप पे जाने का इतना मन कर रहा है ना, मैं क्या करता हूँ, मुझे आदत हो गई है भाई घूमने की, घर पे बैठता हूँ मज़ा नहीं आता मेरे को। अभी देखते हैं भाई, प्लान बनाते हैं कुछ, अगर घर वाले मानते हैं कहीं भेजने के लिए तो फिर चलेंगे। तो तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, मिलता हूँ कल। बाय बाय बाय।